अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अजरंदी किचन। आज अपने किचन में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं आपके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे चिकन शवरमा पॉकेट्स, और बहुत इजी वे में बनाएंगे। चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने एक बॉल ले लिया है, उसमें नीम गर्म पानी डालेंगे एक कप, एक ईस्ट का पूरा साशे, उसमें 1 टेबल स्पून होता है पूरा ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून चीनी, दानेदार चीनी आप किसी भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, आप यही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे, कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से राइज हो जाए। तब तक हम यहाँ आटा छान कर रख लेंगे, यानी मैदा। हमने एक बड़ा बॉल ले लिया है और उसमें हमने एक छन्ना रख लिया है, 1 किलो मैदा लिया है, उसको वक्तन फवक्तन थोड़ा थोड़ा ऐड करके और छान कर साइड पर रख लेंगे। और अब यहाँ देखें कितने अच्छे से हमारा ये राइज हो गया है, बहुत ही अच्छे से राइज हो गया है ये। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितना हमें आटा गूंदने में रिक्वायर्ड होगा, ये देखें इस तरह से। अब हम मैदे में 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और जो हमने मिक्सचर बना के रखा होता अपना ईस्ट का, वो भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे इसकी। आप इसे चाहें तो मशीन में भी डो गूंद सकते हैं और अपने हाथ से भी गूंद सकते हैं। मैं भी सिर्फ कांटे से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं हाथ से ही इसमें इसको अच्छे से एकदम सॉफ्ट गूंद लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट गूंद गया है। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसी बॉल में चारों तरफ ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और ये देखें इस तरह से, और कवर करके मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी राइस होने के लिए। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई किया है। फिर हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, इसे भी ऐड कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स करके कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन का पानी रिलीज़ हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, देखिए चिकन ने पानी भी चेंज किया, कलर चेंज कर लिया है और पानी भी रिलीज़ किया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, थोड़ा सा हमने फूड कलर लिया ऑरेंज फूड कलर, 2 से 3 चुटकी। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किए सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि चिकन हमारे अच्छे से टेंडर हो जाए। 10 मिनट हो गए, अब आप देख लें इसमें चिकन अच्छे से टेंडर हो गई, मैंने आपको दिखाया है। अब इसका पानी हल्का सा ड्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको सुखाएंगे नहीं पानी को। ये देखें थोड़ी सी इस तरह से लिक्विड ही रहे। आ जाते हैं जनाब अपने डो की तरफ। डो हमारी देखें कितने अच्छे से ये राइज हो गई है, ये देखें माशा तकरीबन 1 ही घंटे में राइज हो गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त राइज हुई है। इसको हमने पंच डाउन कर लिया था, अब हम इसको निकाल लेंगे काउंटर पर और इसके 8 पेड़े कट कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको सिर्फ पेड़े कट करके दिखाए थे कि आप इसमें से 8 पीटा ब्रेड बना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी 2 से 3 ही बनाने हैं, तो बस मैं 2 या 3 ही बनाऊंगी। ये मैं आपको सिर्फ साइज़ के लिए बता रही थी, ये देखें इस तरह से। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर और शवरमा की रेसिपीज़ हैं और टोतिया वगैरह की हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पेड़े बन गए हैं, मैं इनको राइज होने नहीं रखूँगी, मैं सिर्फ अपनी जो पीटा ब्रेड्स बनाऊँगी उनको राइज होने रखूँगी। अब मैं आपको दिखा रही थी बची हुई डो को हमने किस तरह रखना है, हमने इसी तरह रखना है। आप चाहें तो एयरटाइट डब्बे में भी रख सकते हैं, मैं इसी में रखे और क्लिंग रैप से ही रैप करके और फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे यूज़ करनी थी। बस अभी हम इसको एक मोटी सी थिक सी एक रोटी की तरह बेल लेंगे और कवर करके रख देंगे। दूसरी भी मैं पहन लूँगी और मैंने उसको कपड़े से कवर कर दिया, आप मैंने देखा होगा सामने। बस अब इसको हम दस मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर कुक एक साइड पर। ये देखें इस तरह से थोड़ी सी वीडियो मेरी कट गई है, 1-2 जगह मेरी वीडियोस कटी हैं तो उसके लिए सॉरी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पिकल की तरफ, जो कि हमारा रेडीमेड जो हमारा यानी कि जल्दी बन जाने वाला ये पिकल होता है, अचार होता है एक तरह से शवरमा का। तो मैंने ले लिया था शिमला मिर्च, बंद गोभी, खीरा और लाल वाली हरी मिर्च चाहिए, हरी मिर्च जो लाल हो जाती हैं वो है ये, और शिमला मिर्च, इनको मैंने जूलियन कट कर लिया था सारी चीज़ों को। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हमने इसको एक बोल में डाल दिया है, 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया, 1/2 टीस्पून इसमें चीनी ऐड की है, और ये बाद में भी मैंने नमक ही डाला था जो आपको थोड़ा सा नज़र आया है, और इसमें मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी, और इन्हें बहुत अच्छा सा मिक्स करके और हम साइड पर रख लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने शवरमा पॉकेट्स की असेंबलिंग के लिए। तो चलिए जी, इसको साइड पर कर देते हैं। अब ये देखें पीटा ब्रेड जो मैंने बनाई थी इसे बीच में से होलो कर लेंगे, यानी कि कट कर लेंगे।
मैंने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई थी क्योंकि वो फिर पनीनी ब्रेड की तरह उसका थोड़ा सा टेक्सचर हो जाता है। ये देखें, थोड़ा सा ना पतले पॉकेट्स बनाए थे, जिस तरह पनीनी सैंडविचेस होते हैं ना, तो फिर वो उसी शेप में हो जाती है, इसलिए मैंने ये पॉकेट्स बनाने थे शवरमा पॉकेट्स, तो इनका शेप थोड़ा सा और इनको पतली चेंज किया है। एक रोटी है मैंने और बना ली है, यानी कि पीटा ब्रेड, उससे मैं आपको दूसरे स्टाइल में बनाना सिखा दूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें लगा लिया था मेयोनीज़ और केचप को मैंने मिक्स कर लिया था, वो लगा दिया है इसमें। उसके बाद सलाद पत्ता रखा है, फिर ढेर सारा अपना ये सलाद रख दिया था, उसके बाद बहुत सारी चिकन रख दी थी, उसके बाद फिर सलाद रखा था और फिर चिकन ऐड की थी, तो ये इसकी फिलिंग हो गई और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी वाह वाह हो जाएगी। और गर्मियों में तो ये हल्की फुल्की डिशेस ना बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। चलें, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना सिखा देती हूँ, जो दूसरी हमने ये पीटा ब्रेड बनाई थी। अच्छा जी, ये वही सॉस है जो मैंने अभी आपको उसमें फिल करते हुए दिखाई है ना शवरमा पॉकेट्स में, तो वही है। मैंने इस यहाँ लिए थे 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया था कैचअप, और यानी कि चिली गार्लिक जो कैचअप होता है ना सॉस, वो लिया है। और उसमें मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ ले लिया था 4 से 5 चम्मच, दोनों को मिक्स करके और इस तरह से सॉस बना ली है। वैसे तो ये शवरमा की सॉस नहीं होती, शवरमा की सॉस मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप चाहेंगे तो देख लीजिएगा। और ये मैंने फिर सलाद पत्ता ना इसमें नहीं लगाते, बस मैंने वैसे ही शो के लिए रखा था शवरमा में, जैसे मैंने पॉकेट्स में रखा है, मगर अच्छा नहीं लगा तो मैंने निकाल दिया। आपकी अपनी चॉइस है, आप निकालें ये रख दें। तो अच्छा, मेरे पास इस टाइम पर जो है ना पेपर नहीं था, तो मैंने इसमें क्लिंग रैप में क्लिंग कर दिया, क्योंकि इससे ये आसानी होती है कि अगर आपको बाद में खाना है तो आप ओवन में गर्म करके खा सकते हैं। तो बस यही आज की मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी है पिज़्ज़ा शवरमा पॉकेट्स और शवरमा की। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।